हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को पढ़ना है क्या, वेंडर रिकंसिलिएशन। वेंडर रिकंसिलिएशन, वेंडर को हम लोग क्रेडिटर भी बोलते हैं। मीन्स क्रेडिटर रिकंसिलिएशन आप बोल सकते हो, सप्लायर रिकंसिलिएशन बोल सकते हो। व्हाट इज क्रेडिटर रिकंसिलिएशन, होता क्या है ये? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक देखिए, आप लोग को एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, इसको आप देखिए समझिए। यहाँ दिया रिकनसाइल द स्टेटमेंट अकाउंट्स मेंटेन बाय द अंबर इन्फोटेक। तो हम लोग की कंपनी जो है अंबर इन्फोटेक है, उन्होंने अकाउंट बना रखा है अपने क्रेडिटर का। इनके क्रेडिटर का नाम है तिरुपति कंप्यूटर्स। अब तिरुपति कंप्यूटर्स का हमने जो अकाउंट्स बना रखा है, ओपनिंग बैलेंस अगर आप चेक कर रहे होंगे, 1 अप्रैल 2014 में कितना है, 10,000 है। और जब हम क्लोजिंग बैलेंस चेक कर रहे हैं 31 मार्च को, तो हमारे अकाउंट्स में दिख रहा है कि हमने उनका सारा पेमेंट कर दिया, कोई बैलेंस नहीं बाकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने इस बैलेंस को, इस अकाउंट को रिकनसाइल करना है किसके साथ, अपने अपने वेंडर के साथ, यानी सप्लायर के साथ। तो हमने अगर सप्लायर अगर देखा तिरुपति कंप्यूटर्स, अगर हमें उनके अकाउंट से अपने अकाउंट को रिकनसाइल करना है, तो उसके लिए हमें उनसे उनका अकाउंट्स क्या करना होगा, डिमांड करना होगा, मांगना होगा। तो हमने उनसे मंगवा रखा है उनका अकाउंट्स, तो उन्होंने अपना अकाउंट देखे बना के हमें दिया है। उनके लिए तो हम लोग डेटर हैं अंबर इन्फोटेक। तो उनके लिए देखिए, ओपनिंग बैलेंस उनका भी वही 10,000 था, जो स्टार्टिंग में हमारा भी 10,000 रुपये था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस उनका दिखा रहा है, वो कह रहे हैं कि 2,05,000 रुपीज़ पेंडिंग है आपका। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, यानी हमारे अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है, उनके अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है 2,05,000। तो ह्यूज डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम अपने अकाउंट्स को चेक करेंगे आखिर में ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। सभी को पता है रिकन्सिलिएशन में दो चीज़ करते हैं हम लोग, पहला नंबर फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। पहले तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पता भी चल रहा है डिफरेंस कितने का है, 2,05,000 का। एंड सेकेंड नंबर हम लोग रिकन्सिलिएशन में जो करते हैं, सेकेंड एंड फाइनल काम, वो है रीजन ऑफ डिफरेंस, आखिर में रीजन क्यों आ रहा है। तो चलिए इसको हम रिकनसाइल करते हैं, इसको हम नेक्स्ट शीट पे हम लोग रिकनसाइल कर लेते हैं। तो रिकनसाइल करने के लिए सबसे पहली चीज फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट के लिए जो देखिए, सबसे ऊपर तो पहले लिख लेते हैं कंपनी का नाम। तो हमारी कंपनी का नाम अनबर इन्फोटेक है, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको ले जाके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिटर की जगह हम लोग लिख देते हैं क्रेडिटर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो क्रेडिटर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये हमने बना लिया। अब इसमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। तो फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इतना बड़ा फॉर्मेट काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट भी जब हम लोग बनाते हैं तो फॉर्मेट भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, दिखने में थोड़ा सा आई कैंडी टाइप का हो। ओके, पर्टिकुलर यहाँ पे अमाउंट हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर वेंडर। वेंडर लिखे या फिर क्रेडिटर लिखे, बात एक ही है। तो वेंडर के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा था, और उसको हम लोग मिलाना है किसके साथ, बैलेंस एज पर आवर बुक, हमारे बुक में उसका बैलेंस कितना आ रहा था। तो ये चीज़ हमें करना है। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस हम लोग लिखते हैं वेंडर के अनुसार कितना था। तो वेंडर के अनुसार जो बैलेंस था वो था 2,05,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बैलेंस एज पर आवर बुक। तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं, हमारे हिसाब से तो 0 आ रहा था। अब क्या करना है, इसमें हम लोग को जाहिर सी बात है बैलेंस में कुछ ऐड करना है और कुछ क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को पता ही है क्या होने वाली है, लेस होने वाली हैं, तभी जाके 0 आएगा। अब रिकनसाइल करते, रिकनसाइल करने के लिए ध्यान रखिए बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो दिक्कत होगी आपको देखने में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के लिए व्यू पे जाना है, और यहाँ पे होता है स्प्लिट विंडो। तो दो हिस्सों में देखिए बट गया, नीचे का विंडो अलग हो गया, ऊपर का विंडो अलग हो गया। ऊपर अंबर का हम लोग
यानी हम लोग अपना अकाउंट खोल लेते हैं, नीचे अपने कस्टमर के द्वारा जो बनाया गया अकाउंट है उसे हम ओपन कर लेते हैं, कस्टमर सॉरी क्रिएटर, तो तिरुपति का अकाउंट यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ओपनिंग तो ठीक है, 10,000, 10,000 हमारा भी है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1,60,000, 1,60,000, 10,000, देन 10,000, 1,10,000, 1,10,000, ये लगातार अमाउंट और बैलेंस क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। 5 नंबर लैपटॉप, 1,10,000, 5 नंबर लैपटॉप, जी हाँ। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने जो है हमने उन्हें चेक दिया 1,10,000 रुपये का, बिल्कुल सही, उनको भी मिल गया, माइनस हो गया बैलेंस कुछ नहीं। फिर हमने क्या किया, उनसे परचेज़ किया 15 रैम, 3,000 के 45,000 के, फिर बैलेंस बन गया हमारा, जी हाँ 45,000 का बैलेंस बन गया। नेक्स्ट थोड़ा और गैप कर लेते हैं, देन फिर क्या हुआ, और हमने 40,000 का गुड्स परचेज़ कर लिया, तो 85,000 हो गया, उनके हिसाब से भी 85,000 हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 45,000 का चेक काटा, फिर 40,000 का चेक काटा, फाइनल नील बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखिए 45,000 का चेक काटा, तो ये तो ठीक है 45,000। इसके बाद 40,000 का हमने क्या किया, ये दिखा रहे हैं कि हमने इन्हें गुड्स बेचा, ठीक है ना, ये 40,000 का क्या गुड्स है क्या यहाँ पे, जी हाँ 40,000 का है, 40,000 बैलेंस, जी हाँ 40,000 बैलेंस। इसके बाद देखिए हमने जो चेक भेजा ना 40,000 का, किस डेट में है, 30 सितंबर को। अब जब देखते हैं 30 सितंबर को क्या हुआ है, 30 सितंबर की चीज़ उन्हें याद ही नहीं है, सॉरी उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी हमने चेक भेजा तो है, चेक तो हम लोग इशू कर दिए हैं, लेकिन उन्हें लग रहा मिला नहीं है, और मिला भी है तो उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया या अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये डिफरेंस है, ये 40,000 रुपये का चेक का डिफरेंस आ रहा। तो इन डिफरेंस को हम क्या कर लेते हैं, हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये डिफरेंस है 40,000 का, 40,000 के पेमेंट के बाद हम तो दिखा रहे हैं नील हो गया, लेकिन उनका वो 40,000 की वजह से डिफरेंसेज अभी भी बरकरार है। अब देखिए यहाँ पे फिर 1,50,000 का, देखिए उन्होंने बताया कि हमें सेल किया, बिल्कुल हमने उनसे परचेज किया है 1,50,000, और उस 1,50,000 में देखिए वो 40,000 रुपये जोड़ के दिख रहा है उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि उनको पेमेंट मिला नहीं है। अब देखिए फिर 1,50,000 का ये कह रहे हैं चेक मिल गया, जी हाँ हमने उन्हें भेजा भी था, उन्हें मिल भी गया, 40,000 बैलेंस अभी भी दिख रहा है वो डिफरेंस अमाउंट। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, 1,50,000 का चेक हो गया, 1,00,000 फिर हमने गुड्स परचेज किया, उन्होंने भी दिखाया हाँ 1,00,000 का गुड्स परचेज सेल किया है उन्होंने, हमें उन्होंने सेल किया तो हमने परचेज किया, बिल्कुल सही है, बैलेंस 1,00,000 आ रहा है, इनका 1,40,000 आ रहा है, आप सभी लोग समझ सकते हो 40,000 का डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। नेक्स्ट 1,00,000 का चेक हम लोगों ने काट के उन्हें पेमेंट कर दिया है, वो भी कहते हैं हाँ 1,00,000 का चेक उन्हें मिल गया है, नहीं सॉरी 1,00,000 का चेक उन्हें नहीं मिला, उन्होंने बल्कि कहा है कि 5 लैपटॉप वो भेज रहे हैं हमें 20,000 का, वो लैपटॉप हमें अभी तक नहीं मिला है। तो दूसरा नंबर ये चेक अमाउंट भी डिफरेंस है, और सर क्या है, हमने उन्हें गुड्स ऑर्डर किया था, वो कह रहे हैं कि हमने गुड्स भेज दिया है, लेकिन ये गुड्स हमें अभी तक नहीं मिली है, यानी 1,00,000 रुपये ये भी डिफरेंस है। फिर वो कह रहे हैं कि एक और बिल, एक और गुड्स उन्होंने भेज दिया है, ये भी गुड्स हमें नहीं मिली है 45,000। फिर वो कह रहे हैं 20 लैपटॉप और भेजा है, 20 DVD राइटर भेजा है, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो ये डिफरेंसेज हैं, ये डिफरेंसेज हमारी बुक में है कि 2 चेक हमने उन्हें इशू किया लेकिन उन्हें मिला नहीं, और वो कह रहे ये 3 बिल भेजा और हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अभी तक वो गुड्स हमें मिली ही नहीं। तो चलिए अब रिकनसाइल करते हैं, सबसे पहले इन दोनों चेक्स का ही हिसाब करते हैं। चेक हमने इन्हें इशू किया तो हम जैसे ही चेक हम उन्हें देंगे, हम तो अपने बैलेंस में से माइनस कर लिए ना, बट उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए लिखते हैं चेक इशू टू वेंडर नॉट क्लियर बाय वेंडर, वेंडर ने अभी तक क्लियर नहीं किया, चेक इशू टू वेंडर नॉट क्लियर बाय वेंडर, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं किया, किसने नहीं किया, वेंडर ने नहीं क्लियर किया। तो अब चलिए यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं किस डेट को हमने इशू किया था वो चेक, वो चेक हमने इशू किया था, यहाँ पे डेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डेट लेते हैं, इक्वल का यूज़ किया कीजिए, यहाँ पे इक्वल में देखिए मैंने प्रेस किया, शीट 4 में गया और यहाँ पे मैंने चेक को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए चेक नहीं आ रहा है, तो चेक को लाने के हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लें,
ओके, चेक नंबर भी आ गया। अमाउंट कितना है? 40,000। तो ये आप टाइप भी कर सकते हैं और वहाँ से पिक भी कर सकते हैं इक्वल के थ्रू। एक और चेक नंबर है जिसका हम लोग पहले डेट लेके लेते हैं, पिक कर लेते हैं ना उसका चेक नंबर, देखते हैं चेक नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगेन वैल्यू दिखा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आके कंट्रोल वी, हो गया। इसका जो अमाउंट है वो 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 का ये हो गया। ये दोनों चीज़ें हमने क्या कर दिया, रिकनसाइल कर लिया। तो ये दोनों अमाउंट हम लेस कर रहे हैं, हम जाहिर सी बात हमने पेमेंट किया तो हम तो लेस करेंगे। तो चेक इशू कर दिया टू वेंडर, नॉट क्लियर बाय वेंडर, वेंडर ने क्लियर नहीं किया, ये वेंडर ने रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्लियर कीजिएगा नॉट रिकॉर्ड बाय वेंडर। अब चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि ये तीन, वो कह रहे हैं हमने तीन बिल उन्होंने भेजा है, तीन गुड्स उन्होंने भेज दिया है, सिक्स हंड्रेड वाला अगर हम लोग देखें। अच्छा ये लैपटॉप हमें मिला है 1,00,000 का, सही है। तो ये डिफरेंस नहीं है, सॉरी, ये बिल उन्होंने भेजा है, बिल्कुल सही, गुड्स हमें मिल भी गए। 45,000 और 20,000, ये दो चीज़ें अगर देखा जाए तो ये दो बिल्स नहीं मैच किए, है ना। वो कह रहे 15 RAM भेजा, हमें नहीं मिला। कब भेजा? 31 मार्च को, आज 31 मार्च है, लग रहा अभी रास्ते में है। ये दोनों भी हमें नहीं मिला और हमें 31 मार्च को हम लोग रिकनसाइल कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं रिकनसाइल गुड्स इशूड गुड्स सेंड बाय वेंडर बट इन ट्रांजिट, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग बिल नंबर हम लोग मेंशन कर देंगे। तो बिल नंबर जरा देखते हैं, सबसे पहले डेट भी मेंशन करना होगा इक्वल टू, और डेट देखिए यहाँ से हम लोग पिक कर लेंगे, 31 मार्च का था, सेकेंड वाला भी सेम डेट था। ओके, क्या डिटेल्स थी, डिटेल्स भी उठा लेते हैं। ये तो पहले तो ये बिल नंबर, ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो पिक करना है वो है डिटेल्स। डिटेल्स पूरी आ गई, इसमें क्या हुआ, टाइम जो टाइप करने का जो समय है वो आपका क्या हो गया, बच गया, ठीक है। और डिटेल्स जितनी अच्छे से डिटेल आप रखेंगे उतना अच्छा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए कितना, 45,000 एंड 20,000, 45,000 एंड 20,000। फाइनली यहाँ पे हम लोग सम कर देंगे, सम ऑफ दिस वन, अगर यहाँ कुछ ऐड वाला होता तो ऐड हो जाता, माइनस हो जाएगा सम ऑफ सारे लेस आइटम, जितने भी लेस आइटम है, देखिए जीरो आ गया बैलेंस। तो ये था आपका क्रेडिट रिकन्सिलिएशन। सो मेरे ख्याल से अब इसको, हाँ इसको हटा दीजिए आप, ये तो समझ में आ गया सब लोगों को। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प आपको किया है क्रेडिट रिकन्सिलिएशन को समझने के लिए, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन भी होता है वो सब्सक्राइब का बटन जरूर से मत दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।